हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्लास्टिड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लास्टिड जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल है, एक कोशिकांग है। कोशिकांग क्या होते हैं? ये कोशिका में पाए जाने वाले कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, अलग अलग कार्यों को करती हैं। जो प्लास्टिड था उसकी खोज सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी। किसने की थी? हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी। लेकिन प्लास्टिड शब्द का यूज या फिर इसे प्लास्टिड नाम दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था। उनका नाम था सिंपर। सिंपर नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लास्टिड नाम दिया। ये होता क्या है? प्लास्टिड इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, जो सेल्स में ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ये गोल और चपटे आकार का कैसा होता है? गोल होता है और चपटा होता है। गोल और चपटे आकार का साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड के सिंथेसिस और फूड के स्टोरेज का काम करता है। फूड का सिंथेसिस मतलब भोजन का संश्लेषण और भोजन का स्टोर संग्रह करने का काम करता है। साथ ही साथ ये पौधों को रंग देने का, एक कलर देने का काम करता है। जैसे कि हमने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स कई कलर की होती हैं, तो ये क्या काम करता है? प्लास्टिड जो होता है पौधों को रंग देने का काम करता है, पौधों में भोजन सिंथेसिस का काम करता है और फूड के स्टोरेज का भी काम करता है। ये प्लांट की सभी सेल्स में पाई जाती हैं, या यूँ कहें कि सभी प्लांट की सेल्स में पाई जाती हैं, केवल फंगस को छोड़ के, फंजाई को छोड़ के। फंजाई क्या होता है? ये सबसे लोअर प्लांट होता है। प्लांट की शुरुआत फंजाई से ही होती है। ये सबसे लोअर प्लांट होता है जो कि सफ़ेद कलर का होता है, इसे हम हिंदी में फफूंद बोलते हैं। तो फंगस को छोड़ के सभी प्लांट की सेल्स में ये पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है। प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम रंगीन लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट को हम रंगीन लवक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पौधों को रंग देना। ग्रीन कलर को छोड़ के पौधे में हमें जो भी कलर दिखाई देता है, चाहे उसके फ्रूट का चाहे उसके फ्लावर्स का, चाहे लीव्स का, अलग अलग कलर जो दिखाई देता है, ग्रीन कलर को छोड़ के हर एक कलर जो होता है, रेड, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, जो कलर भी होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ग्रीन कलर को छोड़ के पौधों में जो भी रंग पाया जाता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से पाया जाता है। तो ये किसको किसको रंग देने का काम करता है? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। ये फ्लावर फ्रूट के साथ साथ पत्तियों को भी रंग देने का काम करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखे होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स अब आते हैं तो उन पत्तियों की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी कलर होता है उसमें। जैसे अब पत्तियां पर्पल कलर की भी आती हैं, येलो कलर की भी आती हैं, मैरून कलर की भी बहुत सारी पत्तियां मिल जाती हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो होती ग्रीन कलर की हैं, होती ग्रीन कलर की हैं, लेकिन उसमें रेड या येलो स्पॉट्स पड़े होते हैं। रेड येलो इसमें स्पॉट्स पड़े होते हैं इनकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो जहाँ भी ग्रीन कलर होगा, जहाँ जो ग्रीन पार्ट होगा वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन जहाँ पे रेड येलो कोई दूसरा कलर होगा ग्रीन को छोड़ के, वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होगा। कुछ पत्तियाँ जब छोटी होती हैं तो उनका कलर अलग होता है, जब बड़ी होती हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट या तो वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है या तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। जैसे आम की पत्ती होती है, अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे जब वो छोटी होती है, जब वो नई नई लीफ निकलती है तो वो रेड कलर की होती है, मरून या फिर रेड कलर की होती है। जब वो पत्ती धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, जब वो बड़ी होती है, तो वो उस समय जब वो रेड होती है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार हमने देखा होगा कि जो टमाटर होता है या फिर सेब होता है, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, वो जब कच्चे होते हैं तो उनका कलर ग्रीन कलर होता है। जैसे टमाटर जब कच्चा होता है तो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, लेकिन जब वो पकता है तो उसका कलर हो जाता है रेड कलर हो जाता है। जब वो हरा था, जब वो कच्चा था तो उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित था, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट उपस्थित हो जाता है। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो जो प्लास्टिड होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। अब हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में।
ल्यूकोप्लास्ट को हम रंगहीन लवक बोलते हैं। ये पौधों को कलर देने का काम नहीं करता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों पौधों को एक कलर देने का काम करते हैं, लेकिन ये कलर देने का काम नहीं करता क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये भोजन के सिंथेसिस के साथ साथ स्टोरेज का भी काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है। इसका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज या भोजन को संचित करने का काम करता है। ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है, सामान्यतः उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती। पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती? वो रूट हो सकता है, राइजोम हो सकता है, रूट और राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम पेड़ के तने का ही एक भाग होता है जो कि पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस हो गया, सरफेस पे यहाँ एक प्लांट है, ये प्लांट की स्टेम है। यही स्टेम अगर सरफेस के नीचे, जमीन के नीचे कुछ दूरी तक चली जाए तो इसी को हम राइजोम बोलते हैं। फिर इसमें यहाँ से क्या निकलेंगे? रूट्स निकलेंगे। तो पौधे के इस भाग को जहाँ तक उसका स्टेम जमीन के अंदर गया है उसे हम राइजोम बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अगेन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अलग अलग भोजन के संग्रह करने की वजह से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट जो है उसमें स्टार्च का संग्रह होता है, ये स्टार्च को या मंड को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। इलायोप्लास्ट जो होता है वो फैट को संग्रहित करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। स्टार्च पौधे के किन भागों में स्टोर होता है? रूट्स में होता है, जैसे आलू है और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है? पौधे का स्टोरेज फूड होता है स्टार्च के रूप में। उसके बाद ये कुछ सीरियल्स में भी पाया जाता है, कुछ सीरियल्स मतलब जैसे कॉर्न हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, कुछ अनाज में पाया जाता है, राइस, वीट और कॉर्न, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। फिर उसके बाद है फैट, इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में फैट का संग्रह होता है, तो ये सीड्स में पाया जाता है। किस प्रकार के सीड्स में पाया जाता होगा? जिसमें फैट या फिर ऑयल की मात्रा अधिक हो, जैसे सोयाबीन, सरसों, ये सब सीड्स हैं जिसमें ऑयल की मात्रा अधिक हो, उसमें इसका स्टोरेज होता है, उसमें इलायोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें फैट का स्टोरेज होता है। फिर उसके बाद है प्रोटीनोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन का संग्रह होता है, ये भी सीड्स में पाया जाता है। किस प्रकार के सीड्स में पाया जाता होगा? जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती होगी, जैसे दाल की फसलें होती हैं उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उसमें प्रोटीनोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन का संग्रह करता है। अब उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे मेन प्लास्टिक बोल सकते हैं, मेन लवक बोल सकते हैं, क्योंकि ये पौधों को कलर देने के साथ साथ, पौधों में भोजन स्टोरेज के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस या फिर फूड सिंथेसिस का काम करता है पौधों में। इसमें एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरिम बोलते हैं। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इसी की वजह से जो पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। पौधों की पत्तियां और उनके कुछ भाग जो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं वो इसी क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल को हम हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं। ये एक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो सनलाइट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उत्तेजित हो जाता है तथा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है? फूड सिंथेसिस होता है पौधों के लिए, फूड सिंथेसिस होता है। तो इसका काम यही होता है, फूड सिंथेसिस। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर देने का काम करता है। हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर और इसके कार्यों के बारे में। मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें हमें दिखाई देगा कि ये दोहरी परत वाली संरचना है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। कोशिका में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या तो सिंगल लेयर के होते हैं या तो डबल लेयर से घिरे होते हैं, या तो एक परत से या फिर दो परत से घिरे होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स और न्यूक्लियोलस। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दोहरी परत वाली संरचना है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के नीचे एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है जो कि प्रोटीन का बना ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल होता है। पूरे क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब फिर उसके बाद इसमें कुछ गोल गोल संरचनाएं दिखाई देंगी हमें, गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती हैं।
ये गोल संरचनाएं सिक्के के समान होती हैं, एक सिक्के के समान होती हैं, जिसे हम बोलते हैं थैलेक्वाइट। क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइट। एक थैलेक्वाइट दूसरे के ऊपर अरेंज होकर ग्रेनम का निर्माण करता है। अगर यही सिक्के के समान जो संरचनाएं हैं, जो थैलेक्वाइट है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाए तो हम उसे बोलते हैं ग्रेनम। फिर उसके बाद कुछ पतली पतली पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसे हम बोलते हैं लैमिली। ये पट्टियाँ जो होती हैं क्लोरोप्लास्ट के समांतर उसके पूरी लंबाई में बिखरी हुई होती हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन वाली पट्टियाँ होती हैं, इसे हम बोलते हैं लैमिली। ये जो पट्टियाँ होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट के पूरी लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिखरी हुई होती हैं, और इसके समांतर बिखरी हुई होती हैं, इस दिशा में ऐसे या फिर ऐसे बिखरी हुई होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ती हैं, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने का काम करती हैं। इनका नाम है लैमिली, और ये दोहरी परत वाली संरचना होती हैं, दोहरी परत वाली पटलिकाएँ होती हैं। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में अपना अलग से डीएनए पाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कोशिका का डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है माइटोकांड्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कोशिका के अंदर और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस को छोड़ के जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइटोकांड्रिया, इन दोनों में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें राइबोसोम्स दिखाई देंगे, राइबोसोम्स भी इसमें उपस्थित होते हैं, और कुछ स्टार्च ग्रेन्स उपस्थित होते हैं जिसमें स्टार्च स्टोर होता है, स्टार्च ग्रेन्स इसमें उपस्थित होते हैं। ये हो गई इसकी संरचना। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। सिंपर ने इसकी खोज की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था? सिंपर ने क्लोरोप्लास्ट का खोज किया था। फिर इसमें एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों का कलर ग्रीन कलर का दिखाई देता है, पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। उसके बाद इसमें आरएनए, डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, और राइबोसोम्स भी पाया जाता है। इसमें राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। किन सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी हम हिंदी में, प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में भी हम प्रोकैरियोटिक सेल ही बोलते हैं। ये बैक्टीरिया वाली सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। लेकिन हमने देखा था जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाएगा और 70S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है, तो उनमें 80S प्रकार का और 70S प्रकार का दोनों राइबोसोम्स पाया जाता है। जो 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है वो तो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। तो इसके जो आसपास क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हम इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब अर्ध स्वशासित, क्योंकि इसमें अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें जनन की क्षमता होती है। ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, अपने आप को विभाजित कर सकता है। ये विभाजन के लिए सेल पे निर्भर नहीं होता कि जब सेल डिवाइड होगी तो ये विभाजित होगा। ये खुद से अपना विभाजन कर सकता है, स्वयं अपना विभाजन कर सकता है, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस मतलब अर्ध स्वशासित बोलते हैं। ये इसमें अपना डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डुप्लीकेशन भी कर लेता है अपना, तो हम इसे अर्ध स्वशासित क्यों बोलते हैं, पूर्ण स्वशासित क्यों नहीं? हम इसे अर्ध स्वशासित इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब तक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, जब तक सेल के अंदर है तभी अपने आप को डिवाइड कर सकता है, सेल के बाहर नहीं। मतलब डिवीजन के लिए सेल में होने की आवश्यकता होती है इसको, कि ये सेल के अंदर रहे तभी इसमें विभाजन होगा, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम सेल विद इन सेल बोलते हैं, सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका या फिर कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी उसकी कोशिका की तरह, एक सेल की तरह होता है। डबल मेम्ब्रेन से ये भी घिरा होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें भी अपना एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है और डुप्लीकेशन की भी क्षमता होती है, इसीलिए हम इसे सेल विद इन सेल बोलते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फूड सिंथेसिस, भोजन का संश्लेषण। पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप पौधों को भोजन मिलता है।
जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसमें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे, जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से पौधे अपने लिए फूड सिंथेसिस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने देखा प्लास्टिड के बारे में, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल का। प्लास्टिड की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी 1865 में, लेकिन सिंपल नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लास्टिड नाम दिया था। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पौधों को रंग देने का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूड सिंथेसिस के करने का काम देता है, साथ साथ रंग देने का भी काम करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर के बारे में, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दोहरी परत वाली संरचना होती है, इसमें ग्रैनम पाया जाता है जो थैलेकोइड से मिलकर बनी होती है, अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। इसे हम सेल विद इन सेल और सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग भी बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी।